वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यश टेक्निक में। यश टेक्निक जो आपको पॉलिटेक्निक के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करता है। तो बच्चों, आज हमारे डीसी मशीन, जो कि हमारा डीसी मशीन चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में, तो उसमें हम डीसी मशीन में क्या पढ़ने वाले हैं, डीसी मशीन का एक टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन, तो उसी को हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने डाउट्स को, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, ताकि वीडियो अगली वीडियो जो हमारी बने वो आपको उनका जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, जल्दी जब हम बनाए जैसे ही अपलोड करें तभी आपको मिल जाए। तो क्या है बच्चा आज का हमारा टॉपिक, क्या है बच्चा? आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन डीसी जनरेटर में बच्चा क्या होता है, एक आर्मेचर रिएक्शन होती है। अब ये आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, क्यों होती है, इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में हम जान लेंगे। क्या बच्चा? आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जान लेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चा, हम पहले की वीडियोस में डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे। डीसी जनरेटर में हमने टाइप्स देख लिए थे, उसकी कंस्ट्रक्शन देख ली थी और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बहुत हमने पहले की वीडियोस देखे थे। तो बच्चा, मैंने आपको क्या बताया था, ये जैसे कि एक डीसी मशीन है। बच्चा डायग्राम में केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? इसमें बच्चा क्या लगे होते हैं हमारे, इसमें बच्चे लगे होते हैं हमारे फील्ड पोल्स। क्या लगे होते हैं बच्चे हमारे? फील्ड पोल्स। फील्ड पोल्स क्या होते हैं बच्चा? हमारे ऐसे पोल्स होते हैं जिन पर क्या होती है, बाइंडिंग लिपटी होती है। इस बाइंडिंग में सप्लाई देने पर क्या करती है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड करती है, मतलब पोल्स को मैग्नेटाइज करती है, और ये पोल का एक ये चौड़ा भाग है, ये क्या करता है आर्मेचर के चारों ओर क्या करता है आराम, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, किसको? मैग्नेटिक फ्लक्स को, मेन मैग्नेटिक फील्ड जो बना रही है। तो बच्चे, ये जैसे कि मेरा आर्मेचर है, इसमें आर्मेचर कंडक्टर्स डले हुए हैं। तो बच्चे देखो, मैं आपको इस डायग्राम में बता दूं क्या है, ये हमारे फील्ड पोल्स हैं, ये चारों हैं, ठीक है बच्चा? ये हमारा टर्मिनल बॉक्स लगा है, इसके सारे टर्मिनल टर्मिनल बॉक्स में जाएंगे। ये हमारा क्या है, आर्मेचर है। आर्मेचर की ये कोर है जिसमें स्लॉट्स कटे हैं, जिसमें आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, ठीक है बच्चा? तो हमने पहले की वीडियोस में क्या देखा था कि हमारा आर्मेचर जो है, हमने फैराडे के लॉ से देखा, आर्मेचर जो है इसमें जो हमारा ईएमएफ तभी बनेगा जब ये आर्मेचर किसी मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को कट करेगा। ये हमारा फैराडे का नियम है। तो जब हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ये फील्ड पोल्स लगे हैं, इनमें फील्ड बाइंडिंग लिपटी है, इनमें सप्लाई देकर क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जिसका फ्लक्स क्या होता है, एयर गैप से पास होकर इस आर्मेचर के चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जब क्या होता है, जब हम आर्मेचर को इस एयर गैप में रोटेट कराते हैं, तो क्या होता है, इस आर्मेचर कोर में जो क्या होता है, कंडक्टर्स डले होते हैं जिनको हम आर्मेचर कंडक्टर्स बोलते हैं। ये आर्मेचर कंडक्टर्स रोटेट होते हुए क्या करता है, कट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, के फ्लक्स को। तो क्या हो गया, इसमें भी एक ईएमएफ बन गया, ठीक है बच्चा? ईएमएफ बन गया। अब ये आर्मेचर कंडक्टर्स बच्चा क्लोज सर्किट में है, तो इसमें एक इंड्यूस करंट फ्लो होगी। अब बच्चा, करंट का इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट तो सबको पता है। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है बच्चा, कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे कि ये कंडक्टर है, अब मैग्नेटिक फील्ड बन गई, तो इसका एक पोल जैसे कि एन बन जाएगा, एक पोल एस, मैग्नेटिक फील्ड के इसकी डायरेक्शन एन से एस की, बच्चा ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब आप भी देखेंगे, ये आर्मेचर में क्या थे, कंडक्टर्स थे। आर्मेचर कंडक्टर्स ने क्या किया, मेन फील्ड, मेन मैग्नेटिक फील्ड जो बनी थी उसके फ्लक्स को क्या किया, कट किया।
जिससे इनमें क्या हुआ, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ जिससे इनमें इंड्यूस करंट फ्लो हो गई। अब इंड्यूस करंट फ्लो हो गई तो जो करंट फ्लो हो रही है आर्मेचर कंडक्टर्स में, उसके वजह से आर्मेचर की अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना लेगा, नहीं बना लेगा क्या बच्चे? तो आर्मेचर ने क्या किया, अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बना ली। अब हमने देखा जो मेन मैग्नेटिक फील्ड की तो हमें ज़रूरत थी, अब ये आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, हमारी जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसमें डिस्टरबेंसेस उत्पन्न करेगी। क्या करेगी बच्चों? डिस्टरबेंसेस उत्पन्न करेगी। जो आर्मेचर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जिसको हम आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, हमारी मेन मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंसेस उत्पन्न करेगी जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्मेचर रिएक्शन। बच्चों इन शॉर्ट में अगर हम क्या बोले, डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में आर्मेचर के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड का मेन मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ने वाला इफेक्ट, मेन मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या है, जो कि हमारी फील्ड पोल्स के द्वारा बनाई जा रही है, मेन मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है बच्चा, पड़ने वाला मेन मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है बच्चा, आर्मेचर रिएक्शन। क्या कहलाता है? आर्मेचर रिएक्शन। कहलाता है क्या? कहलाता है बच्चा आर्मेचर रिएक्शन। क्या कहलाता है बच्चा? आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि ये क्या बन रहे थे, फील्ड पोल से एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे जिसकी वजह से आर्मेचर कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को कट करके इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था आर्मेचर कंडक्टर्स में, जिससे इनमें एक इंड्यूस करंट फ्लो हो रही थी, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट के फ्लो होने से आर्मेचर कंडक्टर्स भी स्वयं की एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे। अब जिसको हम आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे थे, तो ये आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही थी, हमारी मेन मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंसेस उत्पन्न कर रही थी, मतलब हमारी मेन मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्ट डाल रही थी। इस घटना को बच्चे हमने क्या बोला, आर्मेचर रिएक्शन। मतलब इसको हम अगर एक दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो आर्मेचर के द्वारा डीसी जनरेटर में आर्मेचर के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड द्वारा मेन मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले डिस्टरबेंसेस को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अगर आपको इस वर्ड में ज्यादा अच्छी लगे तो ऐसे कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो आर्मेचर रिएक्शन हमने क्या होती है ये देखी। तो बच्चा आर्मेचर रिएक्शन होती तो है, अब ये क्यों होती है? अब बच्चा आर्मेचर रिएक्शन आपने क्या देखा, एक इंड्यूस करंट जो आर्मेचर कंडक्टर्स में फ्लो हो रही उसकी वजह से हो रही, और वो इंड्यूस करंट क्या है बच्चों, हमारी आर्मेचर करंट है। मतलब आर्मेचर रिएक्शन जो होती है बच्चों, हमारी आर्मेचर करंट जब कंडक्टर्स में फ्लो होती है तब होती है, तो ठीक है बच्चों। अब आर्मेचर करंट के फ्लो होने से हो रही है, ठीक है, अब ये फ्लो तो उत्पन्न हो गई, चलिए अब इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे। मतलब आर्मेचर रिएक्शन हो रही है, ठीक है बात है, लेकिन इसके जनरेटर पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, मतलब क्या इफेक्ट होंगे इसके, तो इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन पड़ेगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। क्या देखेंगे बच्चा, इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन के क्या इफेक्ट है बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, सबसे पहला जो इफेक्ट होता है बच्चे, दो इफेक्ट होते हैं आर्मेचर रिएक्शन के, एक तो होता है बच्चा आपका पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट। पहला इफेक्ट कौन सा होता है बच्चा, पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल याद हो जाए, आपको रटने की जरूरत ना पड़े, समझा तो मैं रहा ही हूँ आपको। इसके बाद क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो बच्चा हमने क्या देखा, आर्मेचर रिएक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट, एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो एक एक इफेक्ट को अब हम डीपली पढ़ लेते हैं। तो बच्चा पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है,
या पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है? चलिए देखते हैं बच्चे। क्या देखना है बच्चों में? पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट किसका? आर्मेचर रिएक्शन का। आर्मेचर रिएक्शन को बच्चों में शॉर्ट में यार लिख दे रहा हूं, आप समझ लेना, पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो बच्चा पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? अब देखिए बच्चों, जैसे कि हमारा डीसी जनरेटर का एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम दिखा रहा हूं, जैसे कि आपको जैसे कि ये डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में हमारे क्या होते हैं? फील्ड पोल्स होते हैं, ये हमारे वही। अब फील्ड पोल्स के साथ में क्या होता है? एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर पे क्या लगे होते हैं बच्चा? ब्रशेस लगे होते हैं, ठीक है, ब्रशेस भी लगा दिए बच्चों। अब आर्मेचर में क्या होते हैं बच्चे? आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं, तो ये आर्मेचर कंडक्टर्स भी दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये साफ करेंगे। अब देखिए बच्चों, अब नॉर्मल कंडीशन देखिए बच्चों, जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रही है, तो फ्लक्स हमारा कैसा होगा? ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जैसे कि जीएनए बता दूं बच्चों, क्या होती है जीएनए बता दूं आपको, ये जीएनए वो होती है बच्चों जो पोल्स के बीच में जो एंगल होता है, दो पोल्स के बीच में जो दो पोल्स होते हैं ना, ये जैसे कि एन और एस है, इन दो पोल्स के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? दो पोल्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम, मतलब दो पोल्स के बीच में एंगल बनता है, उनको जो दो पार्ट में बांटती है लाइन, उसको बोलते हैं बच्चों जीएनए। जीएनए को बोलते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस ये हमें दिखाई नहीं देती है, बस एक इमेजिनरी लाइन है जो हम इमेजिन करते हैं। जीएनए एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो दो पोल्स के बीच बनने में, देखिए ये जैसे कि 180 डिग्री का एंगल है, दो पोल्स के बीच में बनने वाली एंगल को दो पार्ट, दो बराबर पार्टों में डिवाइड करती है। ठीक है, एक होती है भाई बच्चों एमएनए। एमएनए क्या होती है बच्चों? एमएनए एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर आर्मेचर में कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है, जिस पर आर्मेचर में कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है। तो बच्चों क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन तभी होता है जब हमारी एमएनए जीएनए के पास होती है, मतलब एमएनए अपने एक स्थान से खिसक कर, नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है? यहीं पर जीएनए होती है और यहीं पर एमएनए होती है। पर क्या होता है जब आर्मेचर रिएक्शन वाली कंडीशन में एमएनए अपने स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, तब उसको हम आर्मेचर, तब आर्मेचर रिएक्शन होने लगती है। तो अब क्यों चली जाती है ये? तो देखिए बच्चों क्या हुआ, जब हमारे आर्मेचर करंट फ्लो हुई तो हमारा क्या हुआ, एमएनए खिसक कर दूसरे स्थान पर चली गई। तो आर्मेचर एमएनए खिसक कर दूसरे स्थान पर चली गई, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा बच्चों? नॉर्मल कंडीशन में तो देखो हमने देख लिया ऐसे था, उसके बाद क्या हुआ बच्चों? देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये हमने देखा कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई थी। अब फिर हमने क्या देखा बच्चा, ये जैसे कि आर्मेचर में करंट फ्लो होने लगी, आर्मेचर रिएक्शन, तो उसने क्या बना ली? एक मैग्नेटिक फील्ड बना ली। अब जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो देखिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनाई है ये देख सकते हैं आप। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके चारों ओर क्या लगे हैं? कंडक्टर्स लगे हैं। ये क्या लगे बच्चों? कंडक्टर्स। तो क्या होता है बच्चों, ऐसी मैग्नेटिक, ये कंडक्टर्स जैसे कि नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव, ये बच्चों पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल के समीप है इसलिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएंगे। बच्चों क्या होगा, ये एक अपना ऐसा फ्लक्स बना लेंगे, ये क्या करेंगे? अपना ऐसा फ्लक्स बना लेंगे। अब ऐसा फ्लक्स जो बना है ना, ये फ्लक्स क्या करेगा, इस फ्लक्स में मतलब डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न करेगा। तो हमारी आर्मेचर रिएक्शन वाली जो कंडीशन होगी, जिसको हम पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट बोल रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगा बच्चों? ये जैसे कि जो हमारा पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके चल रहा था, अब क्या हो जाएगा हमारा फ्लक्स? अब कैसा हो जाएगा? अपने पाथ से भटकने लगा बच्चों। पहले कैसा था? बिल्कुल सीधा जा रहा था। अब कैसा हुआ? डिस्टर्बेंस हुआ तो अपने पाथ से भटका, मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स में डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न हुआ, इसने अपने डिस्टर्बेंसेस की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स था मेन मैग्नेटिक फील्ड का, इसने क्या किया? अपना पाथ छोड़ दिया। तो इसको बच्चा, इस इफेक्ट को हमने बोला पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट।
तो बच्चे फिर से देखते हैं क्या देखा था हमने पैरामैग्नेटिक इफेक्ट में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी जीएनए एमएनए बता चुका हूं मैं, जीएनए और एमएनए क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। जीएनए हमारी क्या होती है, दो पोल्स के बीच के एंगल को डिवाइड करती है सेम पार्ट में, और एमएनए क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिस पर आर्मेचर कंडक्टर्स में ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन वाली कंडीशन में क्या होता है, एमएनए अपने स्थान से खिसक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड बना रही है इसका फ्लक्स, जैसे कि ये दिखाया मैंने, तो ये फ्लक्स क्या करेगा, हमारा जो मेन फील्ड फ्लक्स है जो कि ये दिखा रहा, इसमें क्या किया, इसने डिस्टरबेंस उत्पन्न किए, जिससे कि मेन मैग्नेटिक मेन फील्ड फ्लक्स जो था उसने अपना मार्ग छोड़ दिया, मतलब दूसरे मार्ग पे परिवर्तन हो गया, उसके मार्ग में परिवर्तन हो गया। तब हमने इस इफेक्ट को क्या बोला बच्चों, पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, कि मतलब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से मेन मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो अपने पाथ से मतलब परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसके बाद जो बच्चों हमें इफेक्ट देखना है वो होता है हमारा डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्या होता है बच्चों, डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो बच्चों डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देखो होता क्या है, डी मैग्नेटाइज का बच्चों मतलब होता है चुंबकत्व का समाप्त होना या चुंबकत्व का खत्म होना। तो हम जैसे कि देखते हैं जो हमारे फील्ड पोल्स होते हैं उनमें जब हम सप्लाई देते हैं तो वो एक चुंबक बन जाते हैं बच्चों। अब क्या हुआ, आर्मेचर रिएक्शन जब ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, तो ये क्या करती है, जो हमारे फील्ड पोल्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड को तो डिस्टर्बेंस करेगी, साथ में क्या है, हमारे फील्ड पोल्स हैं उनको भी डीमैग्नेटाइज करने लगेगी। डीमैग्नेटाइज क्या, उनके मैग्नेटिज्म को खत्म करने लगेगी। तो इस इफेक्ट को बच्चा हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलेंगे। कैसा, जब हमारी आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है तो ये क्या करती है, हमारे फील्ड पोल्स के मैग्नेटिज्म को समाप्त करने लगती है, यानी कि हमारे फील्ड पोल्स को डीमैग्नेटाइज करने लगती है। इस इफेक्ट को हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे जनरेटर पे, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के होने से क्या होता है, हमारी जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि हमारे जब पोल्स ही मैग्नेटिज्म उनका कम हो रहा है तो मेन मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो गई, जिसकी वजह से मेन मैग्नेटिक फ्लक्स कट हुआ और हमारे आर्मेचर में डेवलप होने वाला ईएमएफ जो था वो भी कम हो गया। तो हमारा जो आर्मेचर की जो आउटपुट था वो कम मिला, आर्मेचर की एफिशिएंसी घट गई, मतलब जनरेटर की एफिशिएंसी घट गई। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि आर्मेचर रिएक्शन के क्या क्या इफेक्ट पड़े हमारे, वो तो दो पड़ गए, आर्मेचर रिएक्शन के दो इफेक्ट पड़ गए आपके, एक तो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो आर्मेचर रिएक्शन के क्या क्या लॉस थे, आर्मेचर रिएक्शन के क्या क्या लॉसेस हुए, कि क्या क्या लॉसेस हो गए हमारे जनरेटर में। तो बच्चों आर्मेचर रिएक्शन के लॉसेस क्या क्या हो गए, सबसे पहले तो जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स था जो आर्मेचर के चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था वो कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। मेन फील्ड फ्लक्स आर्मेचर के चारों ओर नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, मतलब कहीं पर ऐसा हो जाता है, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम, चारों ओर नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड का पैरामैग्नेटिक इफेक्ट क्या देखा था, मेन जो फ्लक्स था, मेन फील्ड फ्लक्स जिसको हम बोल रहे थे, मेन मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स को, मेन मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का, मेन फील्ड फ्लक्स का मार्ग परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं मेन मैग्नेटिक फील्ड का मार्ग परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। ठीक बच्चों, अगर किसी को राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो तो वो मैं बोलता जा रहा हूँ उससे भी लिख सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है, अब देखिए डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या हो देखा था हमने, फील्ड पोल्स क्या हो रहे थे हमारे डीमैग्नेटाइज, तो क्या हो रहा था, फील्ड पोल्स डीमैग्नेटाइज होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं बच्चों, डीमैग्नेटाइज होने लगते हैं।
अब बच्चों पोल्स अगर डीमैग्नेटाइज हुए तो हमारा क्या हुआ, मोटर का, क्योंकि आर्मेचर में ईएमएफ डेवलप कम होने लगा तो क्या हुआ, जनरेटर का आउटपुट कम हो जाएगा। जनरेटर में जो ईएमएफ बन रहा है, जनरेटर में ईएमएफ डेवलप ईएमएफ जिसको बोले, जनरेटर में डेवलप ईएमएफ कम हो जाएगा, कम हो जाता है। अब कम हो जाता है तो ईएमएफ ई तो हमारा आउटपुट था, अब आउटपुट कम हुआ, ये बच्चों हमारा आउटपुट कम हो जाएगा, आउटपुट क्या हो गया, कम हो जाएगा जनरेटर का। अब बच्चों आउटपुट कम हो गया तो एफिशिएंसी भी हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो बच्चों एफिशिएंसी भी क्या हो गई, कम। तो ये क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं आर्मेचर रिएक्शंस के। तो बच्चों लॉसेस भी हमने देख लिए, इफेक्ट देख लिए, उसका कारण देख लिया, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करते हैं, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं और आपका रिवीजन कर देते हैं, और आप ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो बच्चों शुरुआत से हमने क्या देखा, आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, आर्मेचर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है उसका मेन मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्ट पड़ता है, उसे हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, या आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड के द्वारा मेन मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले डिस्टर्बेंसेस को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब बच्चा इसके बाद हमने क्या देखा, आर्मेचर रिएक्शन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, बच्चे दो इफेक्ट होते हैं, पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या था बच्चा, पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट ये था कि इसमें जो हमारी एमएनए है अपने मतलब एक्सिस से खिसक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा क्या होता है, वो हमारी फ्लक्स जो होता है मेन फील्ड फ्लक्स, वो अपना मार्ग चेंज कर देता है, अपने मार्ग से फ्लो ना होकर चेंज कर देता है। तो इसको इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट। फिर बच्चा दूसरा इफेक्ट हमने क्या देखा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में बच्चा हमने क्या देखा कि हमारे आर्मेचर रिएक्शन के बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, हमारे जो फील्ड पोल्स होते हैं वो डीमैग्नेटाइज होने लगते हैं, मतलब हमारी आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारी फील्ड पोल्स को डीमैग्नेटाइज करने लगती है। इस इफेक्ट को हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोल रहे थे। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होने से क्या होता है, हमारी जनरेटर का आउटपुट मतलब ईएमएफ जो है कम डेवलप होता है, जैसे जनरेटर का आउटपुट घटा इससे एफिशिएंसी भी घट जाती है। फिर हमने आर्मेचर रिएक्शन के, जैसे कि ये डायग्राम था आपके द्वारा आपको पूरा समझाया था, जिसको अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हमें एक एक चीज क्लियर करेंगे आपकी। इसके बाद डीमैग्नेटाइजिंग हमने आर्मेचर रिएक्शन के बीच लॉसेस देखे थे। तो इसमें हमने क्या देखा था, आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन के वजह से जो हमारा फ्लक्स क्या करता है, अपने जो मार्ग को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आर्मेचर के चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है मेन फील्ड फ्लक्स जो, तो वो क्या हो जाता है, अनयूनिफॉर्म हो गया, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ, अपना मेन मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स मार्ग चेंज कर देता है। और इसके बाद क्या हुआ, हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे फील्ड पोल्स का मैग्नेटिज्म खत्म होने लगता है, इससे क्या होता है, डेवलप ईएम कम होने लगता है, जिससे हमारे जनरेटर का आउटपुट भी कम होता है और जनरेटर की एफिशिएंसी घट जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने रिवीजन भी कर लिया जो जो हमने पढ़ा। अभी भी कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। उसके बाद चैनल को अगर सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।